नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। नई दिल्ली में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर। पेरिस समझौते को लागू करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जारी है और आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में, जबकि न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। The 103rd Constitutional Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution by permitting the state to make special provisions, including the reservation, based on economic criteria. Amendment cannot breach the basic structure of the Constitution by permitting the state to make special provisions in relation to the admission to private unaided institutions. Amendment cannot breach the basic structure of the Constitution in excluding the SEBCs, OBCs, SCs, SCs from the scope of EWS reservation. जनवरी 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी और इसे तुरंत ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने कानून का विरोध नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने इसके खिलाफ 40 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने के फैसले को बरकरार रखने का स्वागत किया है। ट्वीट में पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि गरीब कल्याण का एक और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा निर्णय है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह पार्टी का रुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत के थीम, लोगो और वेबसाइट कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार भारत की विदेश नीति में वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत 1 दिसंबर से G20 संगठन की अध्यक्षता करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। G20 संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें विश्व का 85% सकल घरेलू उत्पाद, 75% से अधिक वैश्विक व्यापार और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना,
सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर। 8700001-4242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सुरक्षा की मौजूदा और उभरती स्थिति तथा भविष्य के नीति के बारे में चर्चा के लिए सेना के कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सेना के शीर्ष नेतृत्व को सैन्य मामलों और सुरक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलता है। सम्मेलन के दौरान भारत चीन संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की वार्ताएं भी होंगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए आज शाम 5 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। पंजीकरण 23 नवंबर तक किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन भर सकेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में 4 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। राजधानी दिल्ली में 1,46,73,000 मतदाता हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता जनसभाएं और घर घर प्रचार में लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन विधानसभा सीटों के लिए ज्यादातर प्रचार स्टारक प्रचार कर रहे हैं। साल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चंबा की 5 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांगड़ा जिले की 15 सीटों में से 11 पर उसने कब्जा किया था। इसी तरह मंडी जिले की 10 में से 9 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस जहां इस बार इस आंकड़े को बदलने की कोशिश में, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलता को फिर से दोहराना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह अपने पैर जमाने की तैयारी में जुटी हुई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वलसाड जिले के कपराड़ा से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नारा दिया, हमने इस गुजरात को बनाया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास का श्रेय लोगों के परिश्रम और समर्पण को दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की 2 दिन की रूस यात्रा आज से शुरू हो रही है। श्री जयशंकर दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय नियमित संवाद के तहत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से बातचीत करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श होगा। डॉ जयशंकर रूसी परिसंघ के उप प्रधानमंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री जेनिस मांटूरोव से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस ने बांडीपोरा जिले के केहनुसा में हाल ही में हुए आईईडी विस्फोट के सिलसिले में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने ट्वीट में कहा कि आतंकवादी इरशाद गनई और वसीम रजा को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग क्षेत्र के लोगों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। श्रीमती विक्टोरियल नेस से मिली, आपने विभिन्न केंद्रों पर पल्स पोलियो बूथ, प्रसव पूर्व क्लिनिक और शल्य चिकित्सा कक्ष के कामकाज की स्थापना की है। आप जिले में कोविड-19 वार्ड और कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करके कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। श्रीमती वंडल रोवी, आपने प्रतिबद्धता के साथ 28 वर्ष तक समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी सेवा के मुख्य क्षेत्रों में प्रसूति तथा आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। आपने सड़क दुर्घटना के शिकार एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्रदान करके उसकी मदद की और एक ऐसे रोगी की जान बचाई है जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान,
समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में एक है। भारत में हर वर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉ. राकेश गर्ग ने बताया कि समय से कैंसर का पता चलने पर इलाज संभव है। कैंसर को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, उनके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि लंबी समय से खांसी है, शरीर में कहीं से उल्टी में या पेशाब के अंदर या लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, या कोई ऐसी गांठ जो आपको लगता है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, शुरू में दर्द करती है, बाद में दर्द भी नहीं होता उसमें, और इनको अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफी हद तक आपकी तकरीबन 80% ऐसे कैंसर को पूर्णतः क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और कैंसर से डरे नहीं, इसको जल्दी पहचानने में अपने चिकित्सक से मिले और समय से इलाज करने पर इसका ट्रीटमेंट पूर्णतः होता है। पिछले 8 वर्ष से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आज ही नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पेरिस समझौते को लागू करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मिस्र के शहर शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 कल शुरू हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कल एक रिपोर्ट में कहा कि 2015 से पहले के किसी भी वर्ष की तुलना में पिछले 8 वर्ष में पृथ्वी अधिक गर्म रही। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि इस समय COP27 चल रहा है और पृथ्वी ग्रह बार बार संकट की चेतावनी दे रहा है। शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक विश्व नेता भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यनीति पर विचार होगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कल COP27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। श्री यादव ने कहा कि भारतीय मंडप को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ विषय पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। बुधवार से प्राथमिक विद्यालय भी खुल जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बताया कि राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और बिजली पारेषण से संबंधित निर्माण कार्यों पर लगी रोक भी हटा ली गई है। हालांकि निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में फिर हिमपात हुआ है और कश्मीर क्षेत्र के मैदानी इलाकों में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 15 फिल्में स्वर्ण मयूर के लिए स्पर्धा में होंगी, जिनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों का सहायक स्टाफ के सदस्यों को वार्षिक नकद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत हर वर्ष पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ियों को मैच जीतने पर 50,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। नई दिल्ली में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर। पेरिस समझौते को लागू करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।